हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए न्यूरल नेट को स्टार्ट करने से पहले। और ये ना सिर्फ फर्स्ट ईयर में बल्कि ये हमारे आगे तक काम आने वाला है, क्योंकि सेकेंड ईयर में जब हम फार्मा पढ़ेंगे तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो सेकेंड यूनिट है वो इसी के ऊपर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर पूरा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम को। तो हम सबको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS में क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है। क्या क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है? दो चीज़ें, एक आता है हमारा ब्रेन और एक आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। तो एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ये तो होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरी से हमारे कोई भी मान लो हाथ है, यहाँ से कोई भी सेंसेशन लेके जानी है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, तो वो PNS लेके जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? एक आता है स्पाइनल नर्व्स और एक आता है क्रेनियल नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स, तो नर्व्स जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगी। फर्दर जो है PNS को दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक होता है हमारा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, NS मतलब नर्वस सिस्टम, और एक होता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या मतलब हुआ? ये जो है वॉलंटरी कंट्रोल को बेसिकली देखता है। वॉलंटरी जो कंट्रोल होता है उसको कौन देखता है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये इनवॉलंटरी कंट्रोल को हमारे देखेगा। अब ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये फर्दर दो पार्ट्स में और बढ़ जाता है। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें बताऊं, मतलब इनके बीच में डिफरेंस की थोड़ी बहुत बात करें। तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है ये कब एक्टिवेट होगा? सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली जब हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी डेंजर में होते हैं, मान लो किसी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तो हमको उस टाइम पे क्या रिलीज करना है? उस टाइम पे हमारा एड्रेनलिन और एड्रेनलिन रिलीज होता है, वो रिलीज होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने से। लेकिन मान लो अब हम रेस्ट पे हैं, बिल्कुल पीसफुल है, कोई कुछ हमें स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठे हैं घर में, तो उस टाइम पे जनरली हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो रखा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी टाइम पे होगा, कुछ चीजें ऐसी होती है पैरासिंपैथेटिक जो अलग चीजें कंट्रोल करता है, उनकी बात हम डिटेल में बाद में करेंगे। तो पैरासिंपैथेटिक बेसिकली इसमें क्या रिलीज होता है? बेसिकली एस्टाइल कोलिन रिलीज होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या रिलीज होगा? एड्रीनलिन हो गया, नोरएड्रीनलिन हो गया, ये सब चीजें हमें स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट होने वाली चीजें सिंपैथेटिक में आती हैं। और पैरासिंपैथेटिक जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं जनरली तब ये एक्टिवेटेड रहता है। तो चलिए सिंपैथेटिक से स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। देखो, ज्यादातर चीजें इसमें समझने की हैं, तो समझने पे जोर देना, लिखने पे इतना जोर नहीं देना, समझने पे इसमें जोर देना है हमको। तो समझने के लिए जो सबसे पहली चीज आती है, तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये है हमारा सबसे ऊपर ब्रेन, ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया, पोन्स मेडुला, और ये इस तरह से नीचे जाते हैं तो क्या आ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये पूरी हमारी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा क्या है? ब्रेन, और ये नीचे की तरफ क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। तो होता क्या है ना कि स्पाइनल कॉर्ड को हमें पता है कि अलग अलग सेगमेंट्स होती है। ऊपर सर्वाइकल सेगमेंट्स होती हैं C8, ठीक है, उसके बाद थोरेसिक सेगमेंट्स आती है T1 से लेके T12 तक, अलग अलग सेगमेंट बट रखी होती है ना। उसके बाद नीचे चलेंगे तो कौन सी सेगमेंट आती है? लंबर सेगमेंट आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी? L1 से लेके L5 तक। उसके बाद आती है सैक्रल सेगमेंट, ठीक है, इस तरह से सेगमेंट्स बटी हुई होती है। तो हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में होता क्या है?
कोई भी हमें मान लो स्ट्रेस वाले टाइम पे क्या होता है कि यहाँ से जो स्ट्रेस वाली इन्फॉर्मेशन वो लिम्बिक सिस्टम के पास जाती है अलग अलग जगह से, और थैलेमस से होते हुए क्या होता है एक रिस्पॉन्स नीचे आता है हमें नीचे कैसे आता है ये चीज अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी सिंपथेटिक में क्या क्या चीज आती है मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। तो ऊपर से स्टिमुलेशन आया, सिंपथेटिक सिस्टम कब चाहिए, स्ट्रेस है मान लो, तो स्ट्रेस का जो स्टिमुलस आया ब्रेन के पास से पहले तो सेंसेशन गई होगी, हम डरे हुए हैं, तो यहाँ से अलग अलग जो एरियाज होते हैं ब्रेन के वो हमारे लिम्बिक सिस्टम के पास भेजेंगे कि भाई स्ट्रेस की चीज, स्ट्रेस आ चुका है अब आपको इसके लिए कुछ करना है, ठीक है। तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन नीचे अपने फाइबर्स भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड में, तो स्पाइनल कॉर्ड को के कौन से पार्ट को एक्टिवेट करेगा, तो सिंपथेटिक सिस्टम जो है वो आता है थोरेसिक से लंबर के बीच में, T1 से लेके L2 तक, या फिर L3 तक भी हम बोल सकते हैं। तो T1 से लेके L2 या L3 तक जाता है हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। तो T1 से T12, L1, L2, L3 यहां तक हमारा सिंपथेटिक सिस्टम जाता है, यहां तक L5 तक नहीं जाएगा, L1, L2, L3, L3 मैक्सिमम है, तो वहां तक हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स वहां से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। क्या होता है ये, यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट है, मान लो इसने आके यहाँ पे स्टिमुलेशन दे दिया अलग अलग सेगमेंट में, तो अब यहाँ पे तो अब स्टिमुलेशन जब ये देंगे तो यहां से और फाइबर्स निकलेंगे बाहर की तरफ, ये फाइबर्स जा रहे हैं, ये यहाँ के एक्सोन ने किसको स्टिमुलेट कर दिया, आगे एक और सेल बॉडी को, और वहां से फिर एक्सोनल फाइबर्स आगे की तरफ आपको जाते हुए दिख रहे होंगे, इस तरह से ये जा रहे हैं। ये जो जा रहे हैं इनका नाम भी मैं अभी बताता हूँ, ये कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के साइड बाय साइड क्या चल रही होती है, एक और यहाँ पे सिंपथेटिक गैंग्लियन की चेन होती है, बहुत सारे सिंपथेटिक इस तरह से गैंग्लियन की चेन प्रेजेंट होती है T1 से लेके L2 तक, T1 से लेके L2 तक ये सिंपथेटिक गैंग्लियन इनकी चेन जो है ये प्रेजेंट होती है। गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन इज द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी यानी साइटोन या सोमा कुछ भी बोल सकते हैं, उनका कलेक्शन जो है उसको हम गैंग्लियन कहते हैं, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज कलेक्ट हो रखी हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स जो आए ये इसमें जाके रिले करेंगे, ये इसमें पहुंच गए गैंग्लियन के अंदर जाके पहुंच गए, किसके अलोंग आ रहे हैं, ये स्पाइनल नर्व के अलोंग आ रहे हैं, वो भी मैं आपको पूरा और ज्यादा डिटेल में डायग्राम बताता हूं। अभी इसको समझो कि ये यहां पे आके रिले कर जाते हैं, तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ये वाले ये गैंग्लियन से पहले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, ठीक है। तो ये है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब यहां से इन्होंने तो यहां पे स्टिमुलेट कर दिया गैंग्लियन में आगे वाले सेल बॉडीज को, तो आगे जो फाइबर्स जो आगे जाएंगे, अब ये फाइबर्स कहां जा रहे हैं, हमारे टिश्यूज के पास, अलग अलग टिश्यूज के पास जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अभी बात करेंगे एडिनल मेडुला के पास भी जाता है, अलग अलग जगह पे जाएंगे हमारे, जहां पे भी सिंपथेटिक सिस्टम का एक्शन हमें चाहिए वहां पे ये जाएंगे ये फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स अब जो लेके जा रहे हैं सेंसेशन को आगे, इन फाइबर्स को क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, क्योंकि ये गैंग्लियन के बाद आ रहे हैं, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है ये सिंपथेटिक गैंग्लियन की चेन होती है, उसके बाद इस चेन जो इस तरफ भी प्रेजेंट होगी इसी तरह, ठीक है, ये फाइबर्स इस तरफ भी जा रहे होंगे, तो दोनों तरफ का ये तो एक तरफ का देखेंगे ना, एक तरफ के हाथ पैर हर जगह को, ये एक तरफ को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चलता है। अब मैं आपको इसका और ज्यादा अच्छे से डायग्राम दिखाता हूं, उससे पहले हम बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रॉस सेक्शन जब हम लेते हैं, कट सेक्शन देखते हैं जब स्पाइनल कॉर्ड का, तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इसको थोड़ा यहाँ पे नहीं, मैं इसको यहाँ पे बड़ा बनाता हूँ, ये है मान लो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन, इस तरह से हमने स्लाइस ली है स्पाइनल कॉर्ड की। तो इसका क्रॉस सेक्शन जब देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये फिर आगे और फर्दर चलता है, ये गया और ये इस तरह से जाता है, ये सेम इस तरफ भी इसी तरह होता है, इस तरह से ये जाता है। तो होता क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं क्या, ये वाला जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाला जो प्रेजेंट है इस मैटर को, इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर, इसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और यहाँ पे इस जो बच गया एरिया उसे बोलते हैं क्या, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये अंदर की तरफ ग्रे मैटर, बाहर की तरफ व्हाइट मैटर,
तो व्हाइट मैटर बाहर की तरफ, ग्रे मैटर अंदर की तरफ। उसके बाद जो मैंने पिंक कलर में ये आगे वाला एरिया दिखाया, देखो ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर, आगे की तरफ है, ये एंटीरियर साइड है, ये पीछे पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो ये आगे की तरफ जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर हॉर्न, इट इज द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो है पीछे की तरफ ये वाला इतना रीजन, इसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। तो एक हो गया एंटीरियर हॉर्न और एक हो गया पोस्टीरियर हॉर्न। अब ये तो हॉर्न हो गया, अब जो इसके जो बाहर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो ये निकल रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इसे रूट बोलेंगे। और इसे हम बोलेंगे पीछे है तो पोस्टीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट दोनों मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, ये जो बन गया दोनों के मिलने से इसे हम बोलते हैं क्या, इट इज द स्पाइनल नर्व। तो ये है हमारी स्पाइनल नर्व। तो एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट ने मिलकर क्या बना दिया, स्पाइनल नर्व। तो ये हमने बात की क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो और अगर मैं इसमें दिखाऊं आपको एक चीज, ये इस तरफ तो जगह नहीं है, इस तरफ दिखा रहा हूं, ये आगे जाके स्पाइनल जो नर्व है ये फर्दर इस तरह और बढ़ जाती है। तो आगे की तरफ जो आती है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीरियर रेमाई, और पीछे वाली को पोस्टीरियर रेमाई। याद है हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में भी पढ़ा था, ब्रेकियल प्लेक्सस एंटीरियर रेमाई से बनता है, तो ये एंटीरियर रेमाई इसको हम बोलते हैं, क्योंकि स्पाइनल नर्व आगे जाके फर्दर दो उस पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक एंटीरियर रेमाई और एक पोस्टीरियर रेमाई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस क्रॉस सेक्शन को लेके आगे सिंपैथेटिक सिस्टम की। तो ये मैंने बना रखे हैं तीन अलग अलग सेगमेंट, मान लो ये T1 है, T2 है, T3, इस तरह से तीन अलग अलग सेगमेंट मैंने स्पाइनल कॉर्ड की बनाई है क्रॉस सेक्शन में। तो ये सेम डायग्राम है, ये अंदर की तरफ हॉर्न था, ये दोनों हॉर्न बाहर जाके रूट बन जाते हैं और रूट मिलकर स्पाइनल नर्व बना रही है, स्पाइनल नर्व आगे जाके एंटीरियर रेमाई और पोस्टीरियर रेमाई में बट जाती है। अब इसके साथ साथ इधर क्या प्रेजेंट था, गैंग्लियन। मान लो इसका गैंग्लियन ये रहा, इधर इसका गैंग्लियन ये रहा, इसका सिंपैथेटिक गैंग्लियन ये रहा, तो ये तीनों क्या है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन है, सिंपैथेटिक गैंग्लियन इनको बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन जो है सिर्फ सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए है, और सिंपैथेटिक सिस्टम कहां से कहां तक होता है, T1 से लेके L2 तक। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जिसलिए बोलते हैं कि सिंपैथेटिक गैंग्लियन T1 से L2 तक ही प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको लंबर भी बोलते हैं, थोरैको लंबर पाथवे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैको लंबर से ही जो है फाइबर्स जाते हैं, सिर्फ थोरैसिक और लंबर रीजन से ही स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ऊपर से हमने बात की स्टिमुलस आया, अब क्या होता है कि वेंट्रल हॉर्न के अलावा यहाँ पे साइड में एक और हॉर्न प्रेजेंट होता है इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड में। दो हॉर्न मैंने बता देते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक हॉर्न जो बच गया था वो ये होता है लेटरल हॉर्न। तो ये जो साइड में एक और हॉर्न बच गया था, मैं बताना भूल गया था, वो ये है लेटरल हॉर्न बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, ऊपर से जो फाइबर्स आ रहे हैं ब्रेन से स्टिमुलेशन देने के लिए वो रिले करते हैं इस लेटरल हॉर्न के अंदर, तो वो फाइबर्स इस लेटरल हॉर्न के अंदर रिले करते हैं, और इस लेटरल हॉर्न से ही क्या निकलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, और ये फाइबर्स बाद में कहाँ घुस जाएंगे, इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर घुस जाते हैं, तो इस सिंपैथेटिक गैंग्लियन में रिले करेंगे। अब हो क्या सकता है कि इसमें ना करके ये फाइबर्स, कुछ फाइबर्स, चलो उसकी बाद में करते हैं, पहले इसको देखते हैं। तो ये जो फाइबर्स आए अलग अलग सिंपैथेटिक जो आए फाइबर्स, जिसे क्या बोलते हैं, प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लियन से पहले हैं तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब यहां से जो फाइबर्स निकलेंगे वो उन्हें क्या बोलेंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये क्या निकल रहे हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। तो ये प्री गैंग्लियोनिक और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। अब होता क्या है कि अलग अलग प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले तो थे किसके थ्रू, एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व में चले गए थे, स्पाइनल नर्व के अलोंग अलोंग ये फाइबर्स जाते हैं, स्पाइनल नर्व के अंदर ही आप मान लो। तो ये जो है इनको इस गैंग्लियन में रिले करना होता है, बीच में इनके इस गैंग्लियन में जाना होता है। तो इसमें जाने के लिए जो ये चीजें हेल्प करती हैं इसे हम बोलते हैं क्या, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स, जो हेल्प करते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को सिंपैथेटिक गैंग्लियन के अंदर जाने के लिए। और यहां पे अगर आप देखोगे तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो है वो वापस घुसते हैं इसके अंदर स्पाइनल नर्व के अंदर। तो यहां जाने के लिए जो हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स। तो इसको व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो व्हाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स हैं इनके इन फाइबर्स के अंदर
माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। माइलिन शीथ प्रेजेंट होने के कारण इनको व्हाइट बोलते हैं, और ये फाइबर्स जो है ये हेल्प करते हैं प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर्स को सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाने के लिए, और सिंपैथेटिक गैंग्लियन से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकले हैं उनको स्पाइनल नर्व में जाने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ग्रेयर एमआई कम्युनिकेंट्स। ग्रेयर एमआई क्यों? क्योंकि इसमें माइलिन शीथ नहीं होती, सीधी सी बात है। तो व्हाइट एमआई कम्युनिकेंट्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं कहां से कहां तक? T1 से लेके L2 तक ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन ग्रेयर एमआई कम्युनिकेंट्स जो है वो ऊपर तक प्रेजेंट होते हैं, मतलब सर्वाइकल में भी और नीचे सैक्रल में भी। इसका रीजन मैं बताऊं, इसका रीजन ये है कि ऊपर जो है, अभी बताता हूं, देखो ये फाइबर्स जो है ना, अब हो क्या सकता है कि ये फाइबर्स इधर रिले कर दें, या फिर ये फाइबर्स यहां रिले करने की बजाय ऊपर चले जाएं, ठीक है, या फिर ये फाइबर्स हो सकता है यहां रिले ना करें और नीचे की तरफ चले जाएं। तो हमने तीन केस देखे, दूसरे डायग्राम में आपको दिखाता हूं। तो देखो हमने ये बात की अभी कि ऊपर से फाइबर्स आने के बाद यहां से स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन मैं अब नहीं बना रहा हूं, यहां से क्या हुआ, ये फाइबर्स जो थे इनको स्टिमुलेट कर रहे हैं अलग अलग, इनको प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स को, और ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे थे गैंग्लियन में, सिंपैथेटिक गैंग्लियन में व्हाइट एमआई कम्युनिकेंट्स की मदद से। तो हो सकता है कि कुछ फाइबर्स यहीं पे खत्म हो जाएं, कुछ फाइबर्स यहीं पे खत्म हो जाएं और यहां से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के चले जाएं हमारे टिश्यूज के पास, अलग अलग जगह, स्किन टिश्यूज हर जगह जाएंगे। अब एक और चीज हो सकती है कि ये फाइबर्स यहां पे रिले करें ही ना, कुछ फाइबर्स आएं और क्या चले जाएं, ऊपर की तरफ चले जाएं, या फिर कुछ फाइबर्स आएं और यहां से इसके अंदर सिंपैथेटिक गैंग्लियन में जाने के बाद इसके नीचे वाले गैंग्लियन में चले जाएं, या फिर ये और भी ऊपर जा सकते हैं, ये और भी नीचे जा सकते हैं। तो एक बार सिंपैथेटिक गैंग्लियन में घुसने के बाद ये और ऊपर तक कहीं भी जा सकते हैं और ये नीचे तक कहीं भी जा सकते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि व्हाइट एमआई कम्युनिकेंट्स तो चाहिए कहां पे? गैंग्लियन में घुसने के लिए चाहिए। तो गैंग्लियन में घुसना है तो फिर वो तो इन्हीं रीजन में घुस सकता है, T1 से लेकर L2। लेकिन यहां से जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जाते हैं वो ऊपर सर्वाइकल तक भी जा सकते हैं, नीचे सैक्रल रीजन तक भी जा सकते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जो ग्रेयर एमआई कम्युनिकेंट्स हैं वो हमें चाहिएंगे पूरे ऊपर तक और पूरे नीचे तक, क्योंकि वो नहीं होंगे तो वापस स्पाइनल नर्व में घुसेगा कैसे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्पाइनल नर्व के थ्रू हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। यूं नहीं है कि T1 से L2 के थ्रू जो नर्व जा रही है उन्हीं से करेगा, क्योंकि ये फाइबर्स यहां से और ऊपर तक जा सकते हैं सर्वाइकल में, और नीचे सैक्रल रीजन तक जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये तो हमने तीन केस देख लिए, ये पहला केस था जिसमें यहीं पर रिले कर गए, ये दूसरा केस था जिसमें ऊपर चले गए, जिसमें एक तीसरा केस था जिसमें नीचे चले गए। अब यहां से फिर क्या होगा, फर्दर आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, ये तो हमने बात कर ली। अब एक और केस जो इसमें हो सकता है वो ये है कि ये फाइबर्स यहां रिले करेंगे ही नहीं, गैंग्लियन में खत्म ही नहीं हो रहे। कुछ फाइबर्स क्या होंगे, इस गैंग्लियन में तो जाएंगे लेकिन इसको क्रॉस कर जाएंगे और सीधा किसी दूसरे गैंग्लियन में जाके खत्म हो जाएंगे। यहां पे एक और गैंग्लियन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। इस प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन का क्या मतलब हुआ कि ये वाले जो गैंग्लियन थे ये तो स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट थे, लेकिन जो प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन है ये जो है प्रेजेंट होता है हमारे ऑर्गन्स के पास, कुछ ग्लैंड्स के पास, जैसे कि सीलिएक गैंग्लियन हो गया, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूं मैं इसका, सीलिएक गैंग्लियन, सुपीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन, ये सब इसके एग्जांपल है प्रीवर्टिबल गैंग्लियन के, और इंफीरियर मेजेंट्रिक गैंग्लियन। तो ये जो सिंपैथेटिक, ये वाले जो गैंग्लियन है इनके अंदर जो फाइबर आएंगे वो आएंगे तो प्री गैंग्लियोनिक ही ना, ये तो है गैंग्लियन, इससे पहले फाइबर कहीं खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये वाले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर थोड़े बड़े होंगे और ये यहां तक जाएंगे, यहां पे रिले नहीं करेंगे। ये तो हमने देख लिया चौथा केस। अब एक और केस इसमें हो सकता है कि वो यहां पे भी रिले ना करें और डायरेक्ट कोई फाइबर्स आए और सीधा हमारे एड्रीनल मेडुला, ये क्या है हमारा एड्रीनल मेडुला, वहां पे जाएं सीधा का सीधा और वहां पे जाके एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट कर देते हैं और वहां से रिलीज कराते हैं एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और एड्रीनलिन कहां पे एक्ट करेगा, जहां पे भी इनका रिसेप्टर है, जहां पे भी स्ट्रेस के टाइम पे हमें नीड होती है रिसेप्टर्स की, वहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होगी और वहां पे एक्ट करेगा। तो मतलब ये है कि T1 से L2 तक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं प्री गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कहीं पे भी जा सकते हैं, ऊपर सर्वाइकल में भी जा सकते हैं, नीचे थोरेसिक रीजन में भी जा सकते हैं, और पूरी बॉडी में इस तरह से डिफ्यूज होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, ना कि T1 से L2 तक, T1 से L2 तक बस इनका फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद इनका स्टिमुलेशन पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसके बारे में हमने बात की। अब मैं इसके नोट्स जो है वो आपको दे देता हूं।
तो इसके नोट्स जो हैं ये मेरे खुद के नोट्स मैंने बना रखे हैं पहले से, उनसे ही पढ़ते हैं। थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ साथ के साथ। ये देखो, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स राइज इन द लेटरल हॉर्न सेल ऑफ T1 टू L2। ये बात मैंने बता दी, वो L2 तक ही होगा, L3 मत याद करना, L2। और लेटरल होल मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक है। दे पास थ्रू वेंट्रल रूट, वेंट्रल रूट से पास करेंगे, स्पाइनल नर्व के अंदर जाएंगे और वहां से एंटर कर जाएंगे सिंपैथेटिक गैंग्लियन में व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट्स की मदद से। ये भी बताया था, इस तरह से जो व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट्स है, WRC मतलब व्हाइट रमाई कम्युनिकेंट्स, वो प्रेजेंट होते हैं T1 से L2 स्पाइनल नर्व तक। ये बात मैंने बताई आपको। ये फाइबर्स असेंड करेंगे और ऊपर गैंग्लियन में या फिर और नीचे गैंग्लियन में, ये भी मैंने बताई। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हैं वो सभी स्पाइनल नर्व्स, ऑल स्पाइनल नर्व्स के पास वो जाएंगे, किसके थ्रू? ग्रे रमाई कम्युनिकेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसी वजह से जो ग्रे रमाई कम्युनिकेंट्स हैं वो सभी स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट हैं, ऊपर C1 से लेके नीचे सैक्रल तक, ठीक है। अब अगला पॉइंट कि कुछ फाइबर्स रिले नहीं करेंगे गैंग्लियन में, ये भी बताया था। वो जा रहे थे किसी दूसरे गैंग्लियन में, जैसे कि किसके थ्रू जाएंगे? अब उन गैंग्लियन में जाने के लिए 3 नर्व्स हैं हमारे पास, एक है ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व्स, एक है लेसर स्प्लैंकनिक नर्व्स और एक होता है लीस्ट स्प्लैंकनिक नर्व्स। तो ग्रेटर स्प्लैंकनिक में आता है T5 टू T9 गैंग्लियन, लेसर में आता है T10 और T11 और लीस्ट में आता है T12। तो ये वाली नर्व्स के थ्रू वो दूसरे किसी गैंग्लियन में जाते हैं नीचे की तरफ, मतलब जो ऑर्गन के पास प्रेजेंट हो। ये पियर्स करते हैं क्रस ऑफ द डायफ्राम को, डायफ्राम के क्रस में मैंने आपको बताया था ग्रेटर स्प्लैंकनिक नर्व्स पियर्स करती हैं, और रिले करते हैं सीलिएक गैंग्लियन, ये भी मैंने आपको बताया, टू फॉर्म द सीलिएक प्लेक्सस। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स जो थे वो सप्लाई करते GIT को, मतलब इन जो गैंग्लियन में जो जा रहे थे ना, जो दूर वाले गैंग्लियन में जा रहे थे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन में, वो GIT को मेनली सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें लास्ट पॉइंट की हमारे, वो है कुछ फाइबर्स डोंट रिले इन द सीलिएक गैंग्लियन। अब कुछ इसमें भी रिले नहीं कर रहे थे, वो सीधा जा रहे थे एड्रिनल मेडुला में और यहाँ से एड्रिनलिन नोरएड्रिनलिन रिलीज करा रहे थे। तो गाइज ये हमने बात की हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम के बारे में, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की, फिर भी कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर फेसबुक पेज पर जाके व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।